हेलो गाइस, प्रतीक हियर। तो आज हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज के सबसे पहले अपडेट है ब्रैंडन के कोच अब्दुल्ला की तरफ से। सो अगर आप अब्दुल्ला को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, जब से फिल ने कमबैक अनाउंसमेंट करा है तब से अब्दुल्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं। फिल की जो अनफिनिश्ड बिजनेस, ये टैगलाइन है, उसे उन्होंने अनफिनिश्ड बिजनेस किलर ऐसा बना दिया है। मतलब वो ब्रैंडन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आप इन फोटोज में देख सकते हो, वो ब्रैंडन को डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिल की जो 2-3 दिनों पहले पोस्ट वायरल हुई थी, वैसे ही सेम पोस्ट उन्होंने ब्रैंडन की शेयर करी है और कैप्शन में लिखा है, वी विल टीच हिम ए लेसन इन 7 वीक्स। मुझे तो लगता है ऐसा हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अगर ऐसी चीजों से लोग अट्रैक्ट होते हैं तो ये स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे ब्रैंडन का कुछ रिस्पांस ना करना ये सही मूव लगा, क्योंकि वो करंट मिस्टर ओलंपिया है, वो करंट बॉडीबिल्डिंग के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो ऐसी चीजें करेंगे, अगर वो झगड़ा करेंगे, तो ये उनके रेपुटेशन के खिलाफ होगा। तो आपको क्या लगता है? तो नेक्स्ट अपडेट है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। लोगन ने ओलंपिया से 8 वीक्स आउट कुछ फिजिक अपडेट शेयर करी है। उसमें वो क्लासिक पोजेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दूं कि क्लासिक फिजिक में आप मोस्ट मस्कुलर पोज नहीं कर सकते, तो आपको कोई भी क्लासिक पोज करनी होती है। इस अपडेट में लोगन ऑन पॉइंट लग रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनके पास उतना साइज नहीं है। लोगन की हाइट ज्यादा है, फ्रेम भी वाइड है, बट उसके कंपैरिजन में मसल मास कम है। मुझे लगता है कि इस साल वो टॉप 5 के बाहर हो सकते हैं, बट जब वो और साइज के साथ कमबैक करेंगे तो डेफिनेटली टाइटल के दावेदार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की तरफ से। ब्रैंडन ने 7.5 वीक्स आउट एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। इस पोस्ट में ब्रैंडन ऑलमोस्ट रेडी लग रहे हैं। डिवीजन के अकॉर्डिंग साइज भी सही है, चेस्ट बढ़िया लग रही है, बैक अच्छी है, शोल्डर्स और आर्म्स भी काफी बढ़िया है, लेग्स में भी साइज अच्छा है। बस उन्हें अपनी पीक हिट करनी होगी। अगर वो ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली जीत सकते हैं। वो पहले भी ये काम कर चुके हैं, तो उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है एलेक्स कैम्बरनेरो की तरफ से। उनके कोच ने ये उनकी कुछ फोटो शेयर करी है। इसमें एलेक्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, लाइटिंग बहुत बढ़िया है, इस वजह से फोटो और अच्छी लगती है। बट वो इस साल के अर्नोल्ड क्लासिक विनर है, ये भूलना नहीं चाहिए। बैक उनकी काफी अच्छी है, आर्म्स बढ़िया है, चेस्ट में अच्छा साइज है। ब्रियोन और क्रिस बम्स्टेड की राइवलरी में ये बहुत इग्नोर होते आ रहे हैं। मुझे लगता है एलेक्स इस साल टॉप 3 में आ सकते हैं। क्या कहते हो, कमेंट करना। तो नेक्स्ट अपडेट है अकीम विलियम्स की तरफ से। ओलंपिया से 8 वीक्स आउट उन्होंने ये फिजिक अपडेट शेयर करी है। अकीम ने शिकागो प्रोशो को जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई किया है। इस शो में उन्होंने अब तक की सबसे बेस्ट कंडीशनिंग शो करी है। सो वो चाहेंगे कि यही फॉर्म कंटिन्यू रखकर ओलंपिया में टॉप 10 तक पहुंचा जाए। इस अपडेट में अकीम काफी बढ़िया लग रहे हैं, कंडीशनिंग काफी अच्छी है, एब्स उनके वेल डिफाइंड है, साइड क्वाड्स में आप फेदरिंग देख सकते हो, आर्म्स उनके काफी मैसिव है। नेक्स्ट अपडेट है जॉश वेड की तरफ से। जॉश ने इस बार लीजियन स्पोर्ट्स फीस्ट इस कंपटीशन में कम्पीट करा, वो भी मास्टर्स कैटेगरी में। उस शो को वो जीतने में कामयाब रहे। इसमें उनकी कंडीशनिंग काफी अच्छी थी और उनके लेग्स और अपर बॉडी का कॉम्बिनेशन भी बहुत सही था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जॉश वेड। लास्ट अपडेट है बिकी सिंह की तरफ से। बिकी ने एक अपनी करंट फिजिक अपडेट शेयर करी है। उसमें उनका करंट वेट 253 LBS है, मतलब लगभग 115 kg। उन्होंने अपने लेग्स में काफी साइज गेन करा है और आर्म्स उनके पहले से बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। चेस्ट मैसिव लग रही है, बस उन्हें अपने लैट्स पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही उनका थोड़ा वीक पॉइंट है। और ये देखना होगा कि कितने समय में अपना फर्स्ट एवर ओपन का कॉम्पिटिशन खेलते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।